नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसवाई वीडियोस हैशटैग नोट वीडियो में। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा फूड एस्पायर के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप एस्पायर को लेकर कन्फ्यूज़ हैं या अपना डिसीजन फाइनलाइज कर चुके हैं, दोनों ही कंडीशन में आप ये वीडियो देखिए एंड तक, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना डिसीजन फाइनलाइज करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। सबसे पहला पॉजिटिव है प्राइस। ये गाड़ी टिगोर के बाद अपनी सेगमेंट में सबसे सस्ती है। सबसे सस्ती गाड़ी इस सेगमेंट में टिगोर है, और टिगोर के बाद अगर कोई गाड़ी सबसे सस्ती है तो एस्पायर है, और सबसे महंगी गाड़ी इस सेगमेंट में डिज़ायर है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस। इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में मिलती है, 174 mm की। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, चाहे मैं पेट्रोल इंजन की बात करूँ या डीजल इंजन की, दोनों में ही सबसे पावरफुल इंजन आपको एस्पायर में मिलता है। हालांकि पेट्रोल इंजन का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डीजल इंजन काफ़ी पावरफुल है दूसरों के कंपैरिजन में। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, माइलेज। डीजल इंजन की बात करता हूँ तो उसमें 25.83 kmpl का माइलेज आपको क्लेम किया जाता है, जो कि डिज़ायर के बाद सबसे ज़्यादा है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, सेफ्टी। सेफ्टी के लिहाजे से देखा जाए तो ये गाड़ी सबको पीछे छोड़ देती है अपनी सेगमेंट में। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, जबकि इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। वहीं मैं बात करता हूँ हिल लॉन्च असिस्ट, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ये तीनों चीज़ें जो कि सिर्फ एस्पायर में आपको देखने को मिलती हैं और सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलती। तो सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी जो है वो डिज़ायर है। सेवन्थ पॉजिटिव पॉइंट पे आता हूँ, बिल्ट क्वालिटी। इस गाड़ी का चाहे एक्सटीरियर बिल्ट क्वालिटी हो या इंटीरियर हो, दोनों में काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। एट्थ पॉजिटिव पॉइंट पे आता हूँ, फिनिशिंग। इंटीरियर में जब आप बैठोगे तो आपको लगता है कि हाँ, आपने एक जो आपने 7-8 लाख रुपये इन्वेस्ट करे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट करे हैं, क्योंकि इंटीरियर काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इसका, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है, प्रीमियम फील देता है ये इंटीरियर आपको। नाइन्थ पॉजिटिव पॉइंट पे आता हूँ, इस गाड़ी के लुक्स। इंटीरियर तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्सटीरियर लुक्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने ये गाड़ी ज़रूर देखी होगी। इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और साइड और रियर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। टेंथ पॉजिटिव पॉइंट पे आता हूँ, पावरफुल AC। इस गाड़ी का AC काफ़ी पावरफुल है, आपको गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं सहन करनी पड़ेगी। 11th पॉजिटिव पॉइंट, सस्पेंशन। इस गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली हाईवेज पे। जब आप गाड़ी तेज़ चला रहे होते हो अबव 100, तो गाड़ी आपकी काफ़ी स्टेबल रहती है, आपके कंट्रोल में रहती है, तो इसलिए इस गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। चलिए, ये हो गए इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका बूट स्पेस। वैसे तो ठीक ठाक बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर जब मैं कंपेयर करता हूँ दूसरी गाड़ियों से तो सबसे कम बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है, 359 लीटर का। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो है वो है रियर AC वेंट्स। इस गाड़ी में आपको रियर AC वेंट्स नहीं मिलते। हालांकि इस सेगमेंट की बात करूं तो आपको डिज़ायर और एक्सेंट में रियर AC वेंट्स मिलेंगे। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, पावर आउटलेट्स। 12 वोल्ट के पावर आउटलेट आपको इसमें मिलता तो है, लेकिन सिर्फ एक मिलता है। इस सेगमेंट की बात करूं तो आपको डिज़ायर और एक्सेंट में 2 मिलते हैं। इस गाड़ी फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा। इस सेगमेंट की बात करूं तो डिज़ायर और एक्सेंट में पुश स्टार्ट बटन आपको मिलता है। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, नो पार्किंग सेंसर्स एंड रियर कैमरा। ना तो आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं और ना ही कैमरा मिलता है, जबकि सेगमेंट की सभी गाड़ियों में आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट, रियर आर्मरेस्ट। रियर आर्मरेस्ट आपको सभी गाड़ियों में देखने को मिलेगा इस सेगमेंट की, लेकिन एस्पायर की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स नहीं मिलते, जबकि बाकी सभी गाड़ियों में मिलते हैं। सेवन्थ नेगेटिव पॉइंट, कूल्ड ग्लव बॉक्स। इस गाड़ी में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। इस सेगमेंट की बात करूँ तो टिगोर और एक्सेंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स। इस गाड़ी में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स भी नहीं मिलते हैं, इस सेगमेंट में डिज़ायर और एक्सेंट में आपको देखने को मिलते हैं। 9th नेगेटिव पॉइंट, टच स्क्रीन। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती, बटन से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फील ऊपर नीचे कर देता है, जबकि इसके सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा।
टेंथ नेगेटिव पॉइंट, नो GPS। इस गाड़ी में आपको GPS भी नहीं मिलता जबकि बाकी सभी गाड़ियों में आपको मिलता है। 11th नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलते हैं, हालांकि इतने एनफ हैं, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से तो आपको एक्सेंट में भी 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं, लेकिन डिज़ायर और टिगोर में 6 और 6 से ज़्यादा स्पीकर्स आपको मिलते हैं। 12th नेगेटिव पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस। अगर आप किसी मेजर सिटी में रहते हैं, किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं या किसी कैपिटल में रहते हैं तो आपको फोर्ड की सर्विसेज अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं या किसी गांव में रहते हैं तो आपको फोर्ड की सर्विसेज बेकार मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। तो प्लीज़ अगर आप एस्पायर ले रहे हैं तो पहले आप अपनी लोकल फोर्ड की सर्विसेज जो हैं उनके बारे में पता कर लीजिएगा। 13th नेगेटिव पॉइंट, स्टोरेज स्पेसेस। आगे के जो सीट्स हैं वहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस अच्छी मिल जाती है, लेकिन जब रियर सीट की स्टोरेज स्पेस की मैं बात करता हूँ तो आपको उसमें आर्मरेस्ट में स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती और ना ही डोर्स में आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। 14th नेगेटिव पॉइंट, पेट्रोल में, जो पेट्रोल इंजन है उसमें अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ तो इस सेगमेंट में सबसे कम माइलेज क्लेम किया जाता है इसके पेट्रोल इंजन में, 18.16 KMPL का, और ये ऑन रोड कम भी देता है। 15th नेगेटिव पॉइंट, पेट्रोल इंजन अगर आप लेते हैं तो सेकंड गियर में स्पेशली आपको पावर लैग फील होगा। अगर आपकी गाड़ी पूरी भरी हुई है, भरी होने से मेरा मतलब है 5-6 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, या फिर आप किसी चढ़ाई पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं और पेट्रोल इंजन है आपका या ओवरटेक कर रहे हैं तो स्पेशली सेकेंड गियर में आपको पावर लैग फील होगा। 16th नेगेटिव पॉइंट, इसकी हेडलाइट्स बहुत वीक हैं। अगर आप नाइट ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं या नाइट ड्राइविंग करने जाने वाले हैं तो इसकी हेडलाइट्स आपको काफ़ी वीक फील होंगी। 17th नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी के जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, वो जब आप बंद करते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है जबकि दूसरी गाड़ियों में आवाज़ नहीं आती। चलिए, ये हो गए इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों के बारे में आपसे बात कर ली है। अगर 1% भी आपको इस जानकारी से मदद मिली हो अपना डिसीजन फाइनलाइज करने में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।